और शिवाय। पौष मास शुक्ल पक्ष सोमवार प्रतिपदा तिथि आज भी सुबह 9:15 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आज भी रात्रि 8:35 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आज भी पूरे दिन और रात्रि 8:35 तक सूर्य के नक्षत्र का ही प्रभाव कायम रहेगा। मगर चंद्रमा आज मकर राशि में दिन भर चलते रहेंगे और आज चंद्रमा की युति केतु के साथ बनी रहेगी, जिससे मानसिक अस्थिरता, हर काम में मन न लगना, अनावश्यक घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। सूर्य का नक्षत्र स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता का भी संकेत देता है, मगर किए गए प्रयास सार्थक होंगे और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक स्थिति बन सकती है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, मगर पहले की चली आ रही कार्य योजनाओं में उतार चढ़ाव नहीं होगा। आज भी पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कायम रहेगा, इसलिए आज किसी को कर्ज ऋण नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन वापसी में परेशानी हो सकती है। साथ ही आज का राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक लगा रहेगा। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। मेष राशि के जातक मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। हालांकि कार्य क्षमता और आपके प्रयास पूरे मनोयोग से होते रहेंगे, लेकिन अनावश्यक भाग दौड़ और मानसिक अस्थिरता की वजह से कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों से दिशा निर्देश में विचारों के तालमेल न मिलने के कारण कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूलता बनी रहेगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़ें, दोषारोपण की संभावना बनती है, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी के कामों के लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई काम शुरू किया गया है तो लाभदायक स्थिति पूरे दिन बनी रहेगी। मानसिक सुकून और संतुष्टि की अनुभूति होगी। अधिकारियों का दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। छोटी यात्रा के दौरान भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम होगा। कुशल दिशा निर्देश का पालन करते रहें, सफल रहेंगे। विवाह संबंधी शादी के प्रस्ताव सफल हो सकते हैं। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का समय स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता वाला बना रह सकता है। मौसम संबंधी सावधानी भी रखनी चाहिए। अनावश्यक यात्राओं से बचें और वाहन चलाने में भी सावधानी बरतें। मगर कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें। प्रशासनिक सहयोग और विभागीय अधिकारियों की भूमिका सकारात्मक रूप से बनी रहेगी। वित्तीय स्थिति को लेकर खींचतान का संकेत मिलता है, हालांकि अचानक आर्थिक लाभ भी संभव है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन कम लगेगा, मन की एकाग्रता में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, मगर पार्टनर के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और साझेदारी में सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि के जातक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पेट संबंधी गड़बड़ी के साथ ही साथ मानसिक अस्थिरता और शरीर में जकड़न की संभावना बनती है। हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यधिक अच्छा होगा। पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता कायम रहेगी। पार्टनर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही पारिवारिक चिंता और दायित्व को लेकर मानसिक दबाव बना रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं और संतुलित आहार का प्रयोग करें। सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य पूरे होंगे। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और कुछ नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी और भविष्य के लिए निवेश की योजनाएं लाभदायक रहेंगी, मगर मन अनावश्यक रूप से विचलित रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच विचारों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष आपके मेहनत और क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है, मगर कोई भी निर्णय सूझबूझ और सावधानी से लेने चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जमीन, मकान इत्यादि में निवेश के लिए प्रेरणा मिलेगी।
कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में उद्देश्य पूरे होंगे। बहुप्रतीक्षित कार्य आज संपन्न हो सकते हैं। पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक प्रेरणा लाभ दिलाने वाली होगी। साझेदारी में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। मानसिक स्थिरता कायम रखते हुए अपने प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, मगर वाद विवाद से बचें, तटस्थ रहें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। धन लाभ सामान्य से अच्छा रहेगा। किए गए प्रयास सार्थक होंगे, मगर आर्थिक निर्णय लेने में विशेष सावधानी बरतें। मित्र और सहयोगियों से भी सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता और संतान संबंधी विरोधाभास से मानसिक दबाव बना रह सकता है। हालांकि विरोधी दबे रहेंगे, मगर व्यावसायिक विवाद से बचें और नकारात्मक विचारधारा मन में ना लाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मन की एकाग्रता प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथ रहेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के लिए जोश और उत्साह बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में विभागीय अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अपने कार्य क्षेत्र में उठ रही बाधाओं को हल करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। हालांकि शंकाओं का दौर और कार्य क्षेत्र की सकारात्मक पहल में मजबूती आएगी, साथ ही संतान के दायित्व की पूर्ति में व्यस्तता बनी रहेगी। धैर्य और सक्रियता बनाए रखें। खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को विचारों में मतभेद आर्थिक पक्ष को लेकर संभावित है। अनावश्यक खर्च हो सकता है। वाणी में उतावलापन और व्यग्रता को नियंत्रित करना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल और जल्दबाजी में ना लें। हालांकि प्रशासनिक सहयोग बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती जाएगी, मगर दोषारोपण की संभावना और अनावश्यक वाद विवाद से इनकार भी नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक प्रेरणा और उचित दिशा निर्देश कायम रहेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में सहयोग करें और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों की मानसिक स्थिरता कायम रहेगी। अनावश्यक व्यग्रता और उतावलापन आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अपने खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। प्रवास की स्थिति बनती है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। पारिवारिक दायित्व में मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। निजी जिम्मेदारियों और संबंधित मामलों में उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई के प्रति एकाग्रता और गंभीरता परिलक्षित होगी। खान पान में सावधानी बरतें और पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए अपनी सुख सुविधाओं और गृहोपयोगी वस्तुओं में खर्चा का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र के संसाधनों पर भी व्यय संभावित है। लाभदायी योजनाओं को विकसित करने के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता और अधिकारियों का दिशा निर्देश लाभदायक रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र से संबंधित विवाद और दोषारोपण की संभावना भी बनती है। सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। कुशल दिशा निर्देश बना रहेगा और सफलता हासिल हो सकती है, मगर पार्टनर के साथ व्यवहारिक तालमेल में कमी का संकेत मिलता है और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। लंबित कामों में सफलता हासिल होगी। सरकारी रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्य योजनाओं में गति आएगी और विभागीय सहयोग बना रहेगा। मित्रों से सहयोग और उससे होने वाले लाभ के प्रति भी आज का दिन केंद्रित रहेगा और उसमें आप सफल रहेंगे। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।